हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज का ये वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो भी है, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि सर एक्ने स्कार्स पर एक वीडियो बनाइए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज की वीडियो में मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ एक्ने के बारे में और इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके कॉजेस के बारे में, और स्पेशली हमारी वीडियो का टॉपिक होता है वो होता है इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए फिर आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्ने एक्चुअल में होता क्या है। तो जो एक्ने है वो एक प्रकार की स्किन कंडीशन होती है जो कि आपको नॉर्मली किसी भी पर्सन में इजीली देखने को मिल जाती है। ये किसी प्रकार की कोई भी डिजीज नहीं होती है। बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस और भी ऐसे काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपको एक्ने जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। और जो एक्ने होते हैं, जो हमारी बॉडी में पोर्स होते हैं, वो क्या होता है, बंद हो जाते हैं, वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, उसकी वजह से भी आपको एक्ने जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है हमारा, अगर हम बात करें इसके मेडिकल टर्म की, तो एक्ने को मेडिकल टर्म है एक्ने वल्गैरिस कहा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो ये थी कुछ नॉर्मल जानकारी एक्ने के बारे में जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, आखिरकार आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है किसी भी पेशेंट में या किसी व्यक्ति में एक्ने जैसी कंडीशन है वो हो जाती है। तो जो हमारा सबसे पहला सिम्टम्स है वो हमारा पिंपल्स, जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिल जाता है, एक रेड सा स्पॉट हो जाता है आपकी स्किन पे, तो उसी को हम पिंपल्स बोलते हैं, जो कि एक एक्ने का सिम्टम्स ही होता है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा पैप्यूल्स। तो यहाँ पे देखिए, जो पैप्यूल्स है आपने देखो कि आपकी स्किन पे कभी कभी सॉलिड मतलब एक कठोर सा स्पॉट बन जाता है, जिसमें ना तो मवाद पड़ता है ना कोई भी, कैसी एक प्रकार की गांठ सी बन जाती है, उसी को हम पैपुल्स यहाँ पे बोलते हैं। तो ये भी एक उसका सिम्टम्स है वो होता है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा ब्लैक हेड्स। आपने देखो कि आपकी कुछ जो चेहरे पे है ना ब्लैक हेड्स मतलब छोटे छोटे स्पॉट जैसे बन जाते हैं दाने से, तो वो हम ब्लैक हेड्स उसको बोलते हैं और वो भी इसका एक प्रकार का सिम्टम्स है, वो एक्ने का होता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा व्हाइट हेड्स। तो यहाँ पे देखिए आपके व्हाइट जो आपके ब्लैक मैंने आपको बताए थे वो कभी कभी व्हाइट कलर के भी होते हैं, जो कि आपकी स्किन पे आपको नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं अगर किसी भी पेशेंट में एक्ने वाली कंडीशन है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा सिस्ट। तो सिस्ट एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आपने देखा होगा कि आपकी जो स्किन पे अगर किसी भी प्रकार का स्पॉट हो गया है उसमें थोड़ा बहुत मवाद भी पड़ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी होता है, और कभी कभी आपको जो आप इजिली नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कीलें, तो उसको हम कीलें भी बोलते हैं, जो कि आपको सिस्ट जो इंग्लिश में इसको बोला जाता है। तो ये थे इसके कुछ प्रकार के कॉमन सिम्टम जो कि आपको नॉर्मली किसी भी पेशेंट में जिसको एक्ने जैसी कंडीशन हो रखी है उसमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है सारे सिम्टम्स देखने को मिले, इनमें से एक दो सिम्टम जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में, अगर इसके क्या क्या कारण होते हैं एक्ने होने के। तो जो हमारा सबसे पहला कॉज है वो हमारा बैक्टीरिया। आपकी जो बैक्टीरिया की अननेसेसरी ग्रोथ जब हो जाती है हमारी बॉडी में, तब आपको ये वाली कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। फिर जो नेक्स्ट हमारा डेड स्किन सेल, जब आपकी स्किन के सेल्स है वो डेड हो जाते हैं, मीन्स वो किसी प्रकार का एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा डेली डाइट, आप जो डेली डाइट ले रहे हैं उसमें कोई ना कोई किसी प्रकार के चेंजेस हो जाते हैं, या आप किसी प्रकार के ऑयली प्रोडक्ट यूज करते हैं, या आप खाना जो ऑयली खाना ज़्यादा खाते हैं, बटर वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तब भी आपको ये जो कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। फिर जो नेक्स्ट वो हमारा पॉल्यूशन है, अगर आप धूल मिट्टी में ज़्यादा काम करते हैं या ज़्यादा रहते हैं या उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे धूल ज़्यादा उड़ती है, तो उस कंडीशन में भी आपको एक्ने जैसी कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। फिर जो नेक्स्ट हमारा ऑयली प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑयली प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको ये जो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये थे इसके कुछ प्रकार के कॉमन कॉजेज जो कि आपको नॉर्मली आपको ये कॉज कर ही देते हैं, जो कि काफी ज्यादा बेसिक्स हैं और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कॉमन प्लेसेस के बारे में जहाँ पे आपको एक्ने नॉर्मली देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी पर्टिकुलर जगह हैं जहाँ पे आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला जो वो हमारा फेस, आपको किसी भी फेस पे इजीली देखने को मिल जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा फोर हेड, आपको फोर हेड पे भी आपको एक्ने जैसे दाने वगैरह या आपको ब्लैक हेड्स वगैरह देखने को इजीली मिल जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा चेस्ट, आपकी चेस्ट पे भी ये हो सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा शोल्डर्स, आपको यहाँ पे शोल्डर पे भी आपको ये जो हो
हो सकते हैं फिर तुम्हारा अपर बैक। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ ऐसे कॉमन प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको एक्ने या पिंपल्स वगैरह इजीली देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रोडक्ट जो कि माय उपचार की तरफ से आता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, जो कि आपकी बॉडी की ब्राइटनिंग और वाइंडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। तो ये जो प्रोडक्ट है जो कि माय उपचार की तरफ से आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनी है, मैंने भी इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रखे हैं। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ और इसने मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट है वो दिए हैं। तो ये जो एक प्रकार की बॉडी क्रीम होती है, अगर आपकी बॉडी पर किसी प्रकार के डार्क पैजेस हो रखे के आपकी नेक पे, आपके फीट पे, आपके अंडर आर्म्स में, आपकी एल्बो या नी पे किसी प्रकार के पैचेस हो रखे हैं, ब्लैक धब्बे हो रखे हैं या किसी प्रकार के स्पॉट है, ये उसको ट्रीट करने में, उसको साफ करने में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है वो शो कर दी है। तो यहाँ पे जो क्रीम है मैं भी इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और अगर हम बात करें आपको इसको यूज़ कैसे करना है, तो आपको सिंपली उसी एरिया पर अप्लाई करना है जहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत है। तो आपको सिंपली इसको एज ए मसाज करना है, आपको सिंपली 1 से 2 मिनट तक ही अप्लाई करना है, फिर आपको ये छोड़ देना है। फिर वहाँ पर क्या करना है, आपको दिन में 2 बार इसी तरह से आपको अपनी बॉडी पर जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहां पे ही आपको इस चीज को अप्लाई वो करना है। और यहाँ पे एक आपको सावधानी या चेतावनी दी गई है कि इस क्रीम को यूज करने से पहले सबसे पहले आपको इसको थोड़ा सा क्रीम ले लेना है, उसके बाद अपनी स्किन पे लगा के देखना है कि आपको ये किसी प्रकार की इरिटेशन या किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा लगाइए, उसके बाद ही आपको 1 से 2 मिनट के अंदर इसका पता लग जाता है जैसे बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है। अगर आपको ये एक फिट बैठती है ये क्रीम, तो आप इसको इजिली अपनी सिंपली इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे काफी अच्छे इंग्रेडिएंट इसमें मिलाए गए हैं, ये एक प्रकार का नेचुरल प्रोडक्ट ही है जो कि आपकी बॉडी के पैचेस को रिमूव करने में काफी अच्छा रिजल्ट है वो शो करता है। तो आपको सिंपली इसको बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इसको इजीली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके एलोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं आपको जो भी मेडिकेशन बताऊँगा वो आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पर यूज़ करनी है। मैं अपनी वीडियो में किसी प्रकार की मेडिसिन यूज़ करने की डायरेक्ट सलाह नहीं देता हूँ। तो जो हमारी सबसे पहले टैबलेट आती है वो तुम्हारी एजिथ्रोमाइसिन, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, जो कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इसका यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो जो एजिसिप के नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है, आप चाहें तो कोई अदर ब्रांड का परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छे ब्रांड का ही जो एजिथ्रोमाइसिन है वो परचेज करना है, जो कि आपको 500 mg में ही परचेज करना है। और अगर आप बात करें इसकी डोजेस की, तो आपको ये एक टैबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद लेनी होती है, जो कि आपको लगातार 3 दिन तक कंटिन्यू रखनी होती है। तो ये टैबलेट आपको हमेशा खाना खाने के बाद ही यूज करनी है। तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो हमारा विटामिन ई। तो आपको पता है जो विटामिन ई हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है वो होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपको मार्केट में विटामिन ई का कैप्सूल है, जो कि आपको मार्केट में ईवियन के नाम से इजीली मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा विटामिन ई का मैन्युफैक्चर करता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। और अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये एक कैप्सूल 400 mg का दिन में एक बार खाना खाने के बाद लेना होता है, जो कि आपको लगातार 20 दिन तक खाना होता है। तो जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो तुम्हारी एल्बेंडाजोल आइवरमेक्टिन का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखिए ये जो टैबलेट जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है वो शो करती है। अगर आपकी बॉडी में किसी प्रकार की स्मॉल जो इंटेस्टाइन वॉर्म हम जिनको बोलते हैं वो हो गए, या आपकी बॉडी में बार बार पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, एक्ने जैसी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तब आपको ये टैबलेट हमेशा खानी चाहिए। तो अगर हम बात करें ये टैबलेट आपको खानी कैसे, तो आपको ये एक टैबलेट रात को सोने से पहले मीठे दूध के साथ आपको ये टैबलेट है वो लेनी होती है, और ये टैबलेट आपको हफ्ते में एक बार ही खानी है। तो जो नेक्स्ट वो होता है हमारा एडाप्लेन जेल। तो यहाँ पे देखिए ये जो जेल है, जो कि आपको अपने जहाँ पे जो आपके पिंपल्स वगैरह हो रखे हैं या आपको एक्ने जहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको सिर्फ उसी जगह पे ही अप्लाई करना है, आपको पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना है। तो ये जो जेल है एक प्रकार का आता है जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। और अगर हम बात करें इसको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको ये रात में सोने से पहले एक बार ही अप्लाई करना है, आपको दिन में 2 से 3-4 बार नहीं लगाना, आपको सिर्फ एक ही बार इसको अपनी जो पिंपल्स वगैरह एक्ने जैसी जगह पे ही आपको इस चीज को अप्लाई है वो करना है। तो अब जो नेक्स्ट है वो होता है हमारा एंटी एक्ने सोप। तो यहाँ पे देखिए
जो आप सोप कोई भी कंपनी का परचेज कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो एंटी एक्ने सोप आता है, जो कि आपको एक्ने स्टार या कोई भी अदर ब्रांड का इजीली मिल जाता है, तो आप उनको परचेज कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन का पर्पज से होती है, मैं यहाँ पे किसी प्रकार का ब्रांड का प्रमोशन नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप कोई भी एंटी एक्ने सोप यूज इजिली कर सकते हैं, और आपको ये सोप किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं लगाने देना है, सिर्फ आपको ही यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए जो एक्ने सोप आता है, तो यहाँ पे आप इजिली इसको दिन में 2 बार इजिली अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, और आप इजिली इसको लगाने के बाद नहा सकते हैं। तो ये था कुछ ट्रीटमेंट जो कि इस कंडीशन में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।